आदाब नाजरीन, जेके अली न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। तो इनका सम्मान करना मानवता का सम्मान है। ये मानव शरीर द्वारा रचा जाता है और मानव ही इसे जो है उसका ये प्रयास रहा है कि लोगों में रक्तदान की जो है जागरूकता बढ़ाई जाए, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो। और जिसे लॉन्च सुकुमारी लता मंगेशकर जी ने किया था न्यू दिल्ली में, तो प्रयास यंग ब्लड एसोसिएशन के हमेशा से यही रहे हैं कि लोगों में ये जागरूकता दी जाए कि कैसे रक्तदान करना है। और इसे कोई भी को लेकर रक्तदान को लेकर तत्पर रहती है, उनकी तरफ से आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे को मनाया जा रहा है। और इसकी विशेषता है, आज 14 जून है और आज से तकरीबन 151 वर्ष पहले 1868 में कॉल लैंडस्टीनर जो एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसका रिसर्च किया था कि रक्त में जो ग्रुपिज्म है कैसे होती है, कैसे रक्त के अलग अलग ग्रुप निकाले जा सकते हैं, उनके जन्मदिवस के विशेष अवसर पर हर वर्ष आज दुनिया भर में ऐसे समारोह हो रहे हैं और लोगों के अंदर एक जागरूकता लाई जा रही है कि ब्लड डोनेशन करने से, ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर में कोई कमी नहीं आती है, उल्टा जो रिसाइकिलिंग ऑफ ब्लड है उससे शरीर हमारा तंदुरुस्त रहता है। लोगों की ऐसी सोच रहती है पता नहीं ब्लड देने से जल्दी मेरा बनेगा या नहीं बनेगा, मैं कहीं कमजोर ना हो जाऊं, और कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी जो है रूटीन में जो है क्वार्टरली या एनुअली जैसे भी हो ब्लड डोनेट कर सकता है। और साल में 4 बार इसका प्रोविजन हमारे एक साधारण जीवन में 18 से 65 वर्ष की उम्र में किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यंग ब्लड एसोसिएशन जो एक बेहतरीन कार्य कर रही है, ईश्वरीय कार्य कर रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर 2 ही दान है जिनकी विशेषता है, एक रक्तदान है और दूसरा कन्यादान है। इन दोनों दानों के प्रति अगर लोगों के अंदर जागरूकता जैसी रहती है और रक्तदान के माध्यम से हम खास करके मैं कहता हूं कि जो खुद का रक्तदान हम करते हैं उसमें ज्यादा विशेषता रहती है। मैंने अपना रक्त जो अपने रिश्तेदार को, अपने बिरादरी में अपने रिश्तेदार को या भाई बहन को किसी को दे दिया, वो तो जिंदगी भर याद रहेगा मैंने किसको दिया। मैंने ब्लड डोनेशन कैंप्स के माध्यम से, यंग ब्लड एसोसिएशन या अलाइड एसोसिएशन के माध्यम से ब्लड डोनेट किया, वो ब्लड स्टोर हुआ, फिर वो किसके शरीर में गया, किसको जीवनदान हुआ, वो एक गुप्त है। और हुकूमत के पास इतना ब्लड अवेलेबल नहीं है जितना इसका खर्चा है, और पूरे हिंदुस्तान में इतना ब्लड आता नहीं जितना उसका खर्चा है, मगर बदकिस्मती के साथ क्या करता है एडवर्टाइज वो उन चीजों को करते हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है। एडवर्टाइज एवरेस्ट ब्लड को करना चाहे जिससे लोगों को जान बचाए और हिंदुस्तान भी शान में रहेगा, जम्मू कश्मीर भी शान में रहेगा, और किसी लोगों की कोई बिना खून के कोई इंसान नहीं मर जाएगा। जब बिना खून के कोई इंसान मर जाता है तो बड़ी दुख की बात होती है। और साथ ही में और एक चीज आपके से ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और हेल्थ सर्विस को, जब भी कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है पहले उसको बोलते हैं एमएलसी कराओ, ब्लड का इंतजाम कराओ, ये चीज बिल्कुल कतई गलत है। उसको पहले इंसान को बचाना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज है वो करना चाहिए, मगर सबसे पहले ब्लड का अवेलेबल होना चाहिए, दवा का अवेलेबल होना चाहिए। ये जब हो जाएगा इंसान की जान बच जाएगा तो समाज में शोर अच्छा आएगा, एक अच्छा मैसेज पड़ जाएगा, लोग फिर ज्यादा से ज्यादा ब्लड देने के लिए आगे आए। वो ब्लड फ्री देते, उसमें कोई पैसा नहीं देते, हर एक इंसान ब्लड देना शान समझता है। क्या पैगाम देना चाहोगे आप? मैं आज के मौके पे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पे गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ, खासकर जम्मू कश्मीर।